मनावर कोविड 19 टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ आज पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रंजना बघेल, विधायक प्रतिनिधि सुनील इसके और सांसद प्रतिनिधि बबू दरबार, तहसीलदार चंद्र सिंह धारवे, बीएमओ डॉक्टर जीएस चौहान के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण का दीप प्रज्वलित किया गया। पूर्व में एसडीएम राहुल चौहान, एसडीओपी धीरज बब्बर के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप आज वहां वैक्सीनेशन अभियान में जागरूकता देखी गई, जिससे महिला पुरुष नौजवान युवक युवतियां वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साह देखा गया। कोविड 19 टीकाकरण महाअभियान की सभी को शपथ दिलाई गई। आज मनावर विकासखंड को 4000 टीके लगाने का लक्ष्य दिया गया। पूरे विकासखंड में 18 टीकाकरण केंद्र बनाए गए, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, साथ ही साथ ताकि दिए गए लक्ष्य को हासिल किया जा सके। आज 21 तारीख से 30 जुलाई तक ये महाअभियान टीकाकरण का चलेगा, वैश्विक बीमारी कोरोना को हराने के लिए। और आज ये सभी बहनों ने लगाया है, ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है कि टीका लगते से हमको कुछ नहीं हो रहा है। और मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आम जनमानस के जीवन की सुरक्षा के लिए ये कोविड 19 और कोवैक्सीन लेकर के आए हैं। तो आप सब लोग लगाएं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जय भारत, जय हिंद। वैष्णवी सोनी मनावर में। वैक्सीन लगाया, इसके बारे में बताएं। सर, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, अभी अभी वैक्सीन लगवाई है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ सबको कि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, तो सभी टीका लगवाएं।